आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के कोर्स में प्रोटेक्शंस, और हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, किस तरह से आप अपने एक्सेल के फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके मर्जी के बगैर कोई भी आपका फाइल एक्सेस ना कर सके। ओके, तो आपके सामने एक सीट दिख रहा है, मुझे इस सीट को प्रोटेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, इस फॉर्मेट में आके हम प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, या एक और टैब है रिव्यू टैब, जहाँ जाके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये हमारी और आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, लेकिन एक्सेल की किसी भी प्रोटेक्शन मेथड में आप ध्यान रखिएगा, जब आप पासवर्ड लगाते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियरली बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये आपके रिकवर्ड नहीं होंगे। इसलिए पासवर्ड उसी हिसाब से लगाए। पासवर्ड डालने के बाद अब मैं सीट पे किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर पाऊंगा, कहीं कुछ टाइप डिलीट करना है, कुछ करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, सेलेक्ट करके कॉपी करके किसी सीट पे हम पेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये कॉपी वाला सिस्टम भी ना रहे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में कॉपी करने के लिए या कॉपी को रोकने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपी एक्सेल का पार्ट ही नहीं है, वो विंडोज का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को की पार्ट वाले ऑप्शंस को कैसे एक्सेल डिजाइन कर सकता है? लेकिन हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि प्रोटेक्ट, पहले तो यहां अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, किस बिना सिलेक्शन, कि अगर कॉपी आपको करना है तो नीड द सिलेक्शन। अगर आपने एरिया को सिलेक्ट ही नहीं किया तो कॉपी होगा ही नहीं ना, क्या कॉपी करेगा? तो जब हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हैं, यहां पासवर्ड देते हैं, तो यहां बहुत सारे मेरे चेक बॉक्स हैं। ये क्या है? ये अलाउ है, मतलब कि आफ्टर द पासवर्ड यूजर को आप क्या क्या अलाउ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने को फॉर्मेट सेल करके ओके पासवर्ड डाल के ओके कर दू, तो मैं कोई डिलीट विलीट तो नहीं कर सकता, कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके उसके ऊपर हम कलर जरूर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पासवर्ड डालते समय फॉर्मेट सेल अलाउ कर दिया था, उसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया था। तो यहां आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट दो क्लिक होता है, सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। अब लॉक्ड सेल अनलॉक्ड सेल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इस चीज को हम जानते हैं कि सिलेक्शन करने की अथॉरिटी है, कि हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं इसकी मदद से। और मैं यहां इस सिलेक्ट वाले सिस्टम को हटा देता हूं, देन ओके करता हूं, तो आप देखेंगे कि मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, कहीं क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा प्रोटेक्ट करने के बाद, तो हम कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम कॉपी करते भी है तो एक सिंगल सेल कॉपी हो रहा है जिसपे कर्सर पहले से था, तो प्रोटेक्ट करते समय आप किसी एक ब्लैंक सेल पे कर्सर रख दें, फिर प्रोटेक्ट करें, यहां से सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल को हटा दें, देन ओके करें, तो आप देखेंगे कि आप कहीं भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने कंट्रोल सी प्रेस भी कर दिया, कॉपी प्रेस भी कर दिया, तो एक ब्लैंक सेल कॉपी होगा, आपका डेटा कॉपी नहीं होगा। अमित जी, सब चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं। चलिए, लाइव क्लास के तो फायदा होता है कि डाउट है क्लियर कर दीजिए। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि मेरे पास एक एरिया है, मैं चाहता हूं इस एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना,
मतलब जो मैं सीट पे प्रोटेक्ट करूं, सीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई करूं, किस पास पर लगाऊं, तो किसी भी जगह पे मैं टाइप ना कर सकूं बट इस एरिया में टाइप कर सकूं। अब समझिए कि जब प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे होता है, काम कैसे करता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। अब लॉक्ड सेल क्या होता है? देखिए, जब किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सेल पे जाते हैं, सॉरी माफ कीजिए, प्रोटेक्ट सेल नहीं, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल पे आते हैं तो उसके सबसे लास्ट टैब जो दिख रहा होगा प्रोटेक्शन, उसके अंदर पे यहाँ लॉक्ड होता है। मतलब कि हर एक सेल पहले से उसकी प्रॉपर्टी लॉक होती है, मतलब कि वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है कि हाँ आई सपोर्ट द प्रोटेक्शन। लेकिन अब लॉक के मतलब ऐसे नहीं कि लॉक लगाया तो लॉक्ड हो गया हो, नहीं, लॉक्ड होगा कब, जब पासवर्ड डलेगी। लेकिन जब इसको अनचेक कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड हो जाएगी। इसका मतलब है कि पासवर्ड डालने के बाद ये प्रोटेक्ट नहीं होगा। देन ओके। अब यहां पे हम कोई पासवर्ड डालते हैं, डल जाएगी क्योंकि अभी हमने सीट को लॉक नहीं किया है। सीट को लॉक करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल, मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड अगर भूल गया तो नहीं मिल पाएगा, आप लोग पासवर्ड डाल दीजिएगा। अब देखिए कि मैं यहाँ किसी भी तरह का टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ बट यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ। तो किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके उसके प्रोटेक्शन वाले टैब में लॉक्ड को हटा दीजिए। लेकिन इसी का उल्टा करना, जैसे मैंने एक एरिया लिया और बोलता हूं कि इस एरिया पे प्रोटेक्शन हो बाकी एरिया पे प्रोटेक्शन ना हो, मतलब C2 में क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर था बाकी सारे एरिया प्रोटेक्शन के अंदर थे। अब मैं इसी का उल्टा एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर, रेस्ट ऑफ एरिया को प्रोटेक्शन के बाहर करना चाहता हूं। तो वन और एक के ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और इसको अनचेक कर दीजिए। मतलब ये जो हम ट्रायंगल पे क्लिक किए तो क्या हुआ, पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो गई और पूरी की पूरी सीट की लॉक को हटा दिया। ओके करता हूं, मतलब अगर मैं अपनी पासवर्ड डालूंगा तो ये एरिया ही नहीं पूरी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर होगा। लेकिन मुझे इस एरिया को प्रोटेक्शन के अंदर रखना है ना, तो इसको सिलेक्ट करके वापस फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन वाले पार्ट पे जाके इस पे लॉक लगा दूंगा। लॉक लगाने से क्या हुआ कि बाकी एरिया जिसका मैं लॉक हटा दिया था वो अनलॉक्ड हो जाएंगे, और जो ये एरिया जिस पे हमने लॉक वापस लगा दिया ये हो जाएगा हमारा लॉक। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे एंड ओके करेंगे। तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ बट यहाँ टाइप नहीं कर सकता। अमित जी, समझ में आया आपको? जी सर। अब क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, इतना कथा वाचने का बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा जब इसको हम यूज ना कर पाए। देखिए, इसका यूज हम करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास एक डेटा है जिसकी मुझे एंट्री करनी पड़ती है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, यहाँ पे कमीशन है, जीएसटी है, टोटल है, डेट है, टाइम है, जोन है, ऐसे एंट्री करना है। अब इसमें क्या है कि अमाउंट जो है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी है, कमीशन अमाउंट का 2% है, जीएसटी 18% है और इन सबों का टोटल 13। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं जब टाइप करता हूं कैसे टाइप करूंगा, मैं लिखूंगा मान लीजिए पूजा लिखा,
MRP हमने डाला 25। अब टैब या एंटर मारते ये पूरा का पूरा अपने आप पूरी डेटा आ जाती है, तो मुझे यहाँ पे वन बाय वन करके जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे डेट टाइम और यहाँ पे जोन लिखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, पूरी सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक को हटा दिया। अब पूरी सीट जरूरी नहीं, आप डेटा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ वापस जिसमें फॉर्मूला था, जिसपे कर्सर मुझे लेके नहीं जाना है, उस एरिया को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गया, इस पे वापस लॉक को लगा दिया। अब पासवर्ड डालते समय यहाँ सेलेक्ट लॉक सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेल, आप समझिए पूरा सीट अनलॉक्ड है, सिर्फ डी ई एफ जी कॉलन लॉक्ड है। तो मैंने बोला कि भाई जो लॉक्ड है, जो कि है डी ई एफ जी कॉलन, उसको प्रोटेक्शन से बाहर करो, सॉरी प्रोटेक्शन के अंदर कर दो और बाकी ऑलरेडी बाहर है। अब मैं यहाँ पे कर्सर भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने क्या किया था, सिलेक्ट लॉक से अनचेक कर दिया, मतलब कि हमने सिलेक्शन से उसको बाहर कर दिया। ठीक है सर, जी तो फायदा क्या होगा कि अब मैं टाइप करूंगा, जैसे मैंने कुणाल टाइप किया, यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाला, जैसे मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, देखिएगा। ठीक है, जी तो इससे क्या हुआ कि हमें हर एंट्री पे 4 सेकेंड बच गया, मेरा फॉर्मूला कोई एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे आपके पास कोई डेटा एंट्री का सीट्स है, उसमें मान लीजिएगा आपको 50 कॉलम है, उसमें से 20 कॉलम पे एंट्री कर दिए, 30 आपका कैलकुलेटेड है, तो क्या होगा कि आपको वहीं वहीं पे कर्सर जाएगा जहां जहां पे आपको टाइप करना है, जहां फॉर्मूला है जो कैलकुलेटेड है वहां पे कर्सर जाएगा ही। ठीक है, जी इस एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्म बनाया यहाँ पे कि नेम हो गया, यहाँ सिटी हो गई, यहाँ हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया फॉर प्रोटेक्ट शीट, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट सेल, लॉक को हटा देंगे ताकि इस पे टाइपिंग हो, और फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे लॉक सेलेक्ट सेल को यहाँ से अनचेक करके ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जब यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे आएगा, यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा यहाँ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों पे ही टाइप, उसी तरीके से मान लीजिए मुझे फॉर्मूला को हाइड करना है, मान लीजिए कोई फॉर्मूला पे लगा रखा है, हम चाहते हैं कि उस पर फॉर्मूला या फॉर्मूला बार में दिखे ही नहीं, तो जिससे फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है उस पे जाइए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और लॉक के नीचे आपको दिखेगा हिडन, इस हिडन पे क्लिक कीजिए एंड ओके। एंड इसके अंदर आप पासवर्ड डाल दीजिए, प्रोटेक्ट करते ही क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बट इस पे कर्सर जाते ही दिख रहा है, बट इस पे नहीं दिखेगा। उसके अलावा मान लीजिए कि मुझे एक ही सीट पे दो एरिया पे दोनों पे अलग अलग पासवर्ड देने हैं, दो एरिया है दो अलग अलग पर्सन के लिए, मान लीजिए मिस्टर ए के लिए और मिस्टर बी के लिए, ये मिस्टर ए का है और ये मिस्टर बी का है, तो मिस्टर ए और बी के लिए अलग अलग पासवर्ड चाहिए। ये चीजें करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिव्यू में, और यहाँ आपको दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, यहाँ पे नाम देना चाहते हो तो नाम दे दीजिए कि मिस्टर ए का है, और यहाँ पे आप अपना रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, देन ओके। फिर वापस न्यू पे आइए, मैं यहाँ बी दे देता हूँ, रेंज पे गए और अपना रेंज को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे डिफरेंट पासवर्ड डालेंगे जो मिस्टर बी का होगा, अप्लाई करके ओके कर दीजिए।
बट अभी भी आप टाइप कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने सीट को प्रोटेक्ट नहीं किया है। सीट पे जाइए, प्रोटेक्ट सीट कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए, देन ओके। अब जैसे मैं इस पे टाइप करने जाऊंगा, मुझसे पूछेगा पासवर्ड, मैं मिस्टर ए का पासवर्ड डालूंगा तो मुझे इस पे एंट्री करने देगा, सिर्फ इसी पे। इधर तो एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, और जैसे इस पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा, अगेन मिस्टर बी का पासवर्ड पूछेगा। अगर मैंने ए का पासवर्ड यहाँ दे दिया तो पासवर्ड गलत बताएगा, बोलेगा नहीं मिस्टर बी का पासवर्ड दीजिए। ये प्रोटेक्शन कब तक अप्लीकेबल होगी? जब तक कि अनलॉक्ड कब तक रहेगा, जब मैंने यहाँ पर अनलॉक कर दिया तो, जब तक कि रीओपन नहीं होते। जैसे रीओपन होगा अगेन पासवर्ड पूछेगा। ठीक है अमित जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब बात करते हैं कि आपको सीट को कोई डिलीट विलीट ना कर सके, तो उसके लिए सिंपल रिव्यू के अंदर ही आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखता है, इसमें पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए, कोई भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह से फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालते हो, अगर आपका फाइल बिल्कुल नया है, अभी जस्ट सेव कर रहे हो, तो सेव करते समय टूल्स के जनरल ऑप्शन में जाइए, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई कर दीजिए, तो ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछेगा, बट इसके लिए फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं फाइल सेव एज ना करना पड़े, तो फाइल के अंदर यहाँ सेव एज के ऊपर इन्फो होता है, इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसी में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर जाइए पासवर्ड डाल दीजिए, ये फाइल की ओपनिंग पासवर्ड होगी विदाउट सेव एज किए हुए। ये थी हमारी प्रोटेक्शन मेथड की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे आशा है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर आपको पता ही है सर। जी चलिए, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।